हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑरो फार्मा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 16 अगस्त 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की दे दी है, वहाँ से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट जो है वो ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑरो फार्मा में जो है वो फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन जो है ऑरो फार्मा 7.86% के जो डाउन साइड में नेगेटिव में जो है क्लोज हुआ। और यहाँ पे जो है बहुत ही नेगेटिव क्लोजिंग इसे हम कहते हैं। यहाँ पे 761.30 का जो है यहाँ पे डाउन साइड क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसमें जो है मंडे के दिन क्या देखने मिल सकता है, आने वाले दिनों में इसमें क्या और डाउन साइड ऐसे ही देखने वाले हैं, और गेट जो डाउन साइड आई है वो क्यों आया उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम जाते हैं अपने वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो है जैसे कि आप देख सकते हैं एक बड़ा सा जो है एक वॉल्यूम बता रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक बड़ी कैंडल बता रहा है। और यहाँ पे जो RSI जो है ये भी यहाँ पे जो बता रहा है ओवरसोल्ड एरिया में जो है अभी स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है RSI यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बता रहा है कि यहाँ पे जो है अब यहाँ से जो है ऑरो फार्मा जो है अपसाइड मूवमेंट ले सकता है। लेकिन फिलहाल हम अपने वन आर के चार्ट में देखते हैं हमें क्या देखने मिलता है, और फिर आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या देखने मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये डाउन साइड जो आई है वो आई है इसकी अर्निंग्स की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टिमेट से जो कम अर्निंग्स आई थी, ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन 6.09 का जो एक छोटा सा डिफरेंस है इसकी वजह से यहाँ पे जो इसकी अर्निंग्स की वजह से इसमें एक इम्पैक्ट पड़ा है। और साथ ही साथ जो है इसका जो है दूसरा जितने भी मेडिसिन है उसका भी जो है एक प्रॉब्लम चल रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे जो है एक डाउन साइड आपको देखने मिला है। तो फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे मंडे के दिन, तो यहाँ पे मंडे के दिन क्या सपोर्ट जोन क्या रेजिस्टेंस जोन मिल सकता है उस बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमें जो है बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्टॉक बहुत ही नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे पहला जो एक सपोर्ट जोन आता है वो आता है 750 का, और यहाँ पे अगला जो एक सपोर्ट जोन आता है वो आता है 737 का, जो यहाँ पे मोस्टली जो है एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है फिलहाल स्टॉक जो है वो एक बड़े से डाउन साइड में जो है आ चुका था, इसकी वजह से यहाँ पे जो है एक आपको मोमेंट यहाँ पे ज़रूर देखने मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है आपको डाउन साइड यहाँ पे ये सपोर्ट 750 का एक सपोर्ट ज़रूर लेते हुए देखने मिल सकता है मंडे के दिन, और फिर एक 785 का जो है एक अच्छा अपसाइड मोमेंट देखने मिल सकता है। और यहाँ पे मोस्टली 785 या फिर उससे भी थोड़ा ऊपर एक अच्छा जो एक रेजिस्टेंस है जो है 797 का, यहाँ तक आपको ज़रूर आते हुए एक स्टॉक देख सकता है। इवन 785 से लेकर 797 या फिर 800 काउंट कर रहे साइकोलॉजिकल नंबर, तो यहाँ तक जो है आपको इस बीच रेंज में जो है आपको मंडे के दिन आपको क्लोजिंग देखने ज़रूर मिल सकती है। तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन कैंडल, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो भी आपको जो है कंफर्मेशन कैंडल के साथ काम करना है 5 मिनट का या फिर 1 मिनट का, जो आपको फिजिबल हो वो जो है चार्ट ओपन करके जो है आपको कंफर्मेशन कैंडल, थर्ड कंफर्मेशन कैंडल, थर्ड कैंडल जो आती है कंफर्मेशन की, उसी को देखते हुए उसी के बेसिस पे जो आपको एंट्री लेनी है और एग्जिट करना है विद स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 110% जो है मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक जो है मग यहाँ पे हम लाए हैं जिसको आप बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस दोनों मग को जो आप रिलेट कर पाएंगे, यहाँ पे जो है एक ट्रेडर जो है वो क्या करता है, जो यहाँ पे लिखा है ईट स्लीप ट्रेड और रिपीट, यहाँ पे जो है खाता है सोता है फिर ट्रेड करता है फिर वापस से अगले दिन से वही शुरू करता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स के लिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल्स बाय ऑन डिप्स जो है एक चीज़ है, मतलब यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा जब एक स्टॉक जो है गिरता है तभी ही बाय करता है ताकि उसको जो है सस्ते में मिले और यहाँ पे जो उसका एवरेज जो है बहुत ही अच्छा हो और साथ ही साथ उसका जो प्रॉफिट जो है वो भी ज़्यादा हो, इसकी वजह से यहाँ पे जो है ये दो चीज़ जो है वो करता है। तो यहाँ पे अगर आपको ये दोनों मग खरीदना है, अलग अलग हमने जो है इसकी लिस्टिंग की है अमेज़ॉन में, तो आप अमेज़ॉन से जाके वो जो है खरीद सकते हैं, और नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी दे दी है। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।